तो दोस्तों आप लोग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास 9th के लिए सेकेंड यूनिट टेस्ट के लिए लेकर आया हूँ 15 और 16 लेसन। ऑलरेडी यहाँ पर साइंस 1 का ऑलरेडी बना हुआ है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके अगर जितना क्वेश्चन उसने दिया मुश्किल से 14 क्वेश्चन रहेगा, अगर उतना कर लेते हो तो आप लोग का पेपर जो साइंस 1 का होने वाला है एकदम क्लियर हो जाएगा। आप लोग का सेकेंड जो यूनिट टेस्ट होने वाला है साइंस 1 का उसी में से आने वाला, और बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, बस उसको कर लेना क्योंकि वो भी 2 लेसन का है। अब यहाँ पर मैं लाइव प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म और दूसरा 15 और 16 लेसन आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला, बस इतना करके जाना आप लोग का पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। सबसे पहले आप लोग को क्या करना रहेगा, ध्यान से देखना, एक भी पॉइंट मिस मत करना, जितना क्वेश्चन दूंगा बस देखे रहोगे आप लोग को, फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम में उसी में से भर भर के आया था, इसके लिए बस इतना करके जाना जितना मैं आप लोगों से बोलता हूँ, ध्यान से देखना। सबसे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है फिलिंग द ब्लैंक्स, सोचो फिलिंग द ब्लैंक्स क्लास 9th के लिए बीच का कौन सा आ सकता है वो चीज बता रहे हो। देखो यहाँ पर एक साइलम क्या कंडक्ट करता है वाटर को, और फिलोम क्या कंडक्ट करता है फूड को, बस इसको याद करके रखना और बाकी कुछ भी नहीं, इसको याद कर लेना। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे देखोगे आप लोग को एक क्वेश्चन है, और बाकी अंदर से एक भी नहीं करोगे तो भी चलेगा, बस आप लोग को जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा वो क्वेश्चन आप लोग को करके जाना रहेगा। इधर से कुछ भी मत करो क्योंकि आप लोग देखो यहाँ पर है ये डायग्राम और ये डायग्राम, आप लोग अभी से प्रैक्टिस कर रहे हो तो जो सेकंड सेमेस्टर एग्जाम होगा उसमें 110% इसमें से आता है, इसको कर लो। और नेफ्रॉन का क्या करो डायग्राम, और प्लस इसके क्या फंक्शंस क्या हैं वो चीज़ याद करके रखो। आप लोग को मैं बताता हूँ क्या चीज़ करना है, इधर एक था क्वेश्चन ट्रॉपिक मोमेंट, ये देखो यहाँ पर है ट्रॉपिक मोमेंट, और ये फोटोट्रॉपिक मोमेंट, और एक है यहाँ पर है, देखो 3-4 क्वेश्चन यहीं पर है, ये छोटा छोटा ग्रेविटी ट्रॉपिक मोमेंट दिया गया है, हाइड्रो ट्रॉपिक दिया गया है, इसको याद करके रखना मोमेंट का, बहुत छोटा छोटा है इसको याद कर लोगे। सेंट्रोट्रॉपिक दिया गया है, बाकी ये सब पेपर में बहुत कम चांसेस है, बस ऊपर से वही एक चीज़ बोला क्या कंडक्ट करता है उसको याद कर लेना, उसके बाद आप लोग को जो बताता हूँ उसको याद कर लो, बस आप लोग को ख़त्म हो जाएगा। ए याद करके रखना टाइस आर द नर्व सेंसरी मोटर और एक एसोसिएशन, तीनों के टाइस याद कर लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंस है क्योंकि आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है। और एक यहाँ पर है देखो, इसमें से फंक्शन आप लोगों को पहला और एक तीसरा याद करके रख लेना क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तीन मेडुला का और उसका, उसके बाद आप लोगों को क्या करना चाहिए वो चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो ध्यान से ऐसा डायग्राम एक भी आता नहीं पेपर में, आप लोग को एक्सरसाइज से देखो, एक्सरसाइज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग को पहला क्वेश्चन पहला, उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स आप लोग को करना है। क्वेश्चन नंबर तीसरे में से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देखो रोड प्रेशर, और उसके बाद एक ट्रांसपिरेशन ह्यूमन ब्रेन, देखो ये तीन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, रोड प्रेशर ट्रांसपिरेशन ह्यूमन ब्रेन, इसको याद करके रखना। अगर आप लोग को समय मिलता है तो एक रिफ्लेक्स एक्शन याद कर लेना। और उसके बाद आप लोग को यहाँ पर दिया गया है सिंपल सा नाम लिखना है, एक ओरी का और एक टेस्ट्यू और एक थायराइड थाइमस, ये 4-5 नाम का याद करना, नेम ऑफ दिस हार्मोन्स कौन सा होता है उसको आप लोग को यहाँ पर फंक्शन लिखना है उसको। और अब भी डायग्राम बनाने के लिए आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा, टेंशन मत लेना, और आएगा भी तो पेपर में ह्यूमन ब्रेन का आएगा, उसके बाद आप लोग को ह्यूमन एग्जेक्यूटिव सिस्टम आता है, 2 क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद पेपर में कौन सा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो सर बता दो। देखो एक तो यहाँ पर दिया गया है ये चीज, एक्सप्लेन द डिफरेंट बिटवीन दिस एग्जेक्यूटिव सिस्टम ह्यूमंस और प्लांट के अंदर किस तरीके से होता है वो चीज आप लोग को बताना रहेगा। प्लस आप लोग को यहाँ पर से एक क्वेश्चन इसको कर लिए काम खत्म हो गया, बट
यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 में से पहला, दूसरा, तीसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला, दूसरा, तीसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूँ, ये तीनों क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि आप लोगों को पेपर में 110% इसी के अंदर से आएगा, इसमें से दूसरा वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके लिए आप लोगों को बता रहा हूँ। अब यहाँ पर 16वें लेसन में से क्या किया जाए, तो यहाँ पर एक व्हाट इज द जेनेटिक दिया गया है, तो यहाँ पर कहाँ से याद करोगे आप लोग, द देखो, द ट्रांसफर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन एंड जीन आर पार्टिकुलर, दिस इज कॉल्ड जेनेटिक। ये चीज आप लोग को याद करके रखना और बाकी कुछ भी नहीं याद करना, यहाँ पर से एक इसको याद करना है, उसके बाद आप लोग को क्या करना रहेगा वो चीज बता। तो देखो ध्यान से, एक आता है पेपर में हेरिडिटी, हेरिडिटी का मीनिंग होता है आनुवंशिकता, जिसको बोला जाता है ट्रांसफर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड अ हेरिडिटी, मतलब जो लक्षण पेरेंट्स के हैं वो बच्चे के अंदर दिखाई देता उसी को हेरिडिटी बोला जाता है, याद रखना। और आ सकता है पेपर में आप लोगों से जो जो बता रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंस है, यहाँ पर आता है क्रोमोसोम्स के टाइप्स, याद रखना क्रोमोसोम्स के टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स याद करना और उसके कैसा दिखता है, बसों मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक, ये सब सिर्फ नाम याद करके रख लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंस है, याद रखना। उसका डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसको याद करके रख लेना, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है आप लोगों से। उसके बाद आप लोग को क्या करना चाहिए वो चीज़ बताता हूँ, ध्यान से देखना। व्हाट इज जीन, देखो इतना ही है, इच क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ द सिंगल डीएनए मॉलिक्यूलर, सेगमेंट ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूलर्स आर कॉल्ड जीन, इतना याद करके रखना। व्हाट इज जीन, आ सकता है जीन पे आप लोगों को सिंपल सा, आरएनए का फुल फॉर्म प्लस आरएनए के टाइप्स क्या है उसको याद, तीन टाइप्स है आरएनए का, राइबोसोमल, मैसेंजर, ट्रांसफर, ये तीनों याद करके रखना। और कौन करना चाहिए कौन सा वो चीज मैं आप लोग को बता देता हूँ, ध्यान से देखते रहना, इधर से ऐसा कुछ भी नहीं आता मेरे दोस्त, बस आप लोग को जेनेटिक डिसऑर्डर म्यूटेशन करके दिया, जेनेटिक डिसऑर्डर यहाँ पर डिसीज और डिसऑर्डर आर द ऑकरिंग ड्यू टू दिस एबनोमलिटीज इन दिस क्रोमोसोम्स आर दिस म्यूटेशन इन द जीन आर कॉल्ड जेनेटिक डिसऑर्डर। और जेनेटिक यहाँ पर सिकल सेल एनेमिया होता है, याद रखना, यहाँ पर रोग का नाम दिया है सिकल सेल एनेमिया, म्यूटेशन के डिसऑर्डर से क्या होता है सिकल सेल एनेमिया करके रोग होता है, उसको याद करके रखना। और बाकी तो यहाँ डाउन सिंड्रोम का शॉर्ट नोट आप लोगों से पूछा जा सकता है, और बाकी सिकल सेल एनेमिया उसको थोड़ा सा पढ़ के रख लेना, और बाकी इधर से कुछ भी नहीं करोगे तो भी चलेगा, कुछ भी मत करो। एक्सरसाइज से कौन सा करना चाहिए, देखो फिलिंग द ब्लैंक्स आप लोग करोगे, उसके बाद एक्सप्लेन फॉलोइंग दिया गया, उसमें से कौन सा किया जाए। देखो एक तो यहाँ से वेरी 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 इंपॉर्टेंट सी वाला, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है सी वाला, अच्छी तरीके से करके रखना, और उसके बाद आप लोग को करना रहेगा तो एक यहाँ पर मेडल कर लेना, ए बाकी इसमें सी वाला छोड़ के मत जाना, क्योंकि ये पेपर में देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद यहाँ आंसर इन द वन दिया गया ऑनवर्ड से, तो इसमें फिंगर प्रिंटिंग का छोटा छोटा है, 1 2 3 4 छोटा छोटा ऑनवर्ड में आप लोग बता सकते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है, हेरिडिटी डिसऑर्डर। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 और यहाँ पर मैच द पेयर करना है आप लोग को, और इसमें से एक ए वाला डाउन सिंड्रोम और सिकल सेल एनीमिया,
इस तरीके से दो लेसन का वे मोस्ट इम्पोर्टेंस वेरी वेरी इम्पोर्टेंस सेकेंड यूनिट टेस्ट के लिए मैं बता दिया हूँ। बस आपको क्या करना है, जितना हो सकता है इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन भरी वीडियो के साथ। अगर साइंस वन का नहीं देखे हो, साइंस वन का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप लोग को कर लेना है।